और भाई इस टायर की साइज तो देखो, अरे बाप रे, तो फ्रैंक मतलब माइकल की हाइट के जितना भाई एक टायर है इस गाड़ी का तो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में AK गेम्स ऑटो। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना दोस्तों क्या है कि भाई माइकल है ना कुछ अपनी अरिना वॉर्स की कार्स खरीदने वाला है, वो भी एक माफिया गैंग से। तो दोस्तों ये बात हुआ ऐसी कि भाई फ्रैंकलिन ने, आपने जैसा कि भाई उसने अरिना ट्रक चोरी कर दी थी, तो फ्रैंकलिन ने भाई माइकल को बताया कि उस अरिना ट्रक के बारे में। तो माइकल ने भी डिसाइड कर लिया कि भाई वो भी अब अरिना कार्स खरीदने वाला है, वो भी एक बहुत बड़े माफिया गैंग के साथ। तो दोस्तों चलते हैं, पहले फ्रैंकलिन के पास चलते हैं क्योंकि फ्रैंकलिन है अपने को वो अपनी ट्रक दिखाने वाला है। सबसे पहले देखिए आज कर क्या रहे, यहाँ पे अमांडा कर क्या रही है, एकदम बेकार लग रही है तू। ये तो अमांडा मतलब हर बार मेरे पैसों के में मतलब ऐश कर रही है बैठ के भाई, यहाँ पे देख रहे हो। चलो छोड़ो इसको यार, इन लड़की के चक्कर में पड़ूंगा ना तो अपना बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम चलते हैं ना भाई फ्रैंकलिन के पास चलते हैं, फ्रैंकलिन के शोरूम में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे अपना फ्रैंकलिन भी खड़ा हुआ है। तो देखिए पहले फ्रैंकलिन का शोरूम कहाँ पे है, ये रहा ये, यहाँ पे फ्रैंकलिन का शोरूम। चलिए दोस्तों पहले चलते हैं फ्रैंकलिन के शोरूम के पास, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास वो ट्रक है मॉन्स्टर अरिना ट्रक। तो पहले हम वो ट्रक देखने चलेंगे, ट्रक को अच्छे से देखेंगे, अगर हमें ट्रक पसंद आएगी तो दोस्तों माइकल है ना फिर क्या करेगा कि भाई वहाँ से अरिना कार्स भी परचेस कर लेगा। और ये माफिया के पास से हमने सुना है कि भाई उसके पास कम से कम 5 या 6 अरिना कार्स है, तो वो सारी की सारी माइकल्स खरीदना चाहते हैं। वैसे चाहे तो माइकल चोरी भी कर सकता है, लेकिन भाई अब माइकल के पास पैसा बहुत है तो भाई वो चोरी नहीं करेगा, सीधा वो मतलब इज्जत से माफिया जो भी है बहुत बड़ी लेवल के माफिया उनसे वो कार्स परचेस कर लेगा। लेकिन वो तब भी परचेस कर लेगा भाई जब पहले वो फ्रैंकलिन के यहाँ देख लेगा कि भाई फ्रैंकलिन की आखिर ये अरिना ट्रक है कैसी और वो क्या कर सकती है कैसी है। अबे अरे यार कितना तो यार मतलब तुम लोग का प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे देख के नहीं चलाते सुबह सुबह, मतलब देख रहे हो कितनी तो ट्रैफिक है यार यहाँ पे तो लॉस सैंटोस में। ये देखो इतनी छोटी गाड़ी है तो नैनो गाड़ी लगी पड़ी है। ओ संभाल भाई ट्रक वाले, क्या भाई उड़ाएगा क्या, लक्की था भाई तू उड़ा देता नहीं तो भाई तू तो। अबे भाई इज्जत से गाड़ियाँ खरीदने चाह रहा हूँ। ओ देखो भाई यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है बहुत भाई। ओ ये तो पुलिस स्टेशन है भाई, यहाँ से तो दूर ही रहने का है अपने को, पुलिस स्टेशन के आजू बाजू भी नहीं भटकने का है। ये तो पता है ना माइकल और पुलिस का तो पंगा हमेशा कैसा ही होता है। चलो यार ये देखो डायमंड कैसीनो के इधर हम लोग आ गए, ये है फ्रैंकलिन का। अबे अबे क्या यार, सॉरी सॉरी मेरी गलती है। ये दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए फ्रैंकलिन के शोरूम में, तो चलिए पहले फ्रैंकलिन के पास भी चलते हैं भाई बंदा कहाँ पे खड़ा है। ओ ये रही भाई, लगता है यहीं पे किधर है। चलो पहले देखते हैं यार फ्रैंकलिन के पास आखिर है क्या। ओ देखो भाई फ्रैंकलिन ने ये गाड़ी, दोस्तों कल आपको याद होगा तो भाई फ्रैंकलिन ने ये मतलब गाड़ी माफिया गैंग के यहाँ से चोरी करके लेके आया था ट्रक का। आप देख रहे हो ये मॉन्स्टर ट्रक है, कैसा है भाई फ्रैंकलिन। अरे भाई ये तो एकदम मतलब सूट वूट पहन के जच रहा है, मतलब ऑफिस में खड़ा है ना अपने शोरूम के इधर खड़ा है तो मतलब शोरूम के जैसे कपड़े पहने हुए। क्या भाई गाने वाने सुन रहे हैं क्या, कौन सा गाना चल रहा है भाई। तो गाने में बिजी है। चलिए ये गाड़ी तो भाई माइकल को भी देखो बहुत पसंद आई है, तो चलो अब जो हम लोग चलते ही है, गाड़ी हमें पसंद आई तो भाई हम लोग अभी इसी टाइप की मतलब अरिना कार्स जो होती है ना वो हम माइकल अपना माफिया के यहाँ से परचेस कर लेंगे। तो चलो माफिया के मेंशन के इधर चलने गए, वो भी काफ़ी दूर नहीं है, यहीं नज़दीक में ही है। चलो मैं मैप में पहले लोकेशन मार्क कर लूँ, आखिर ये है कहाँ। ये है, ये रही लोकेशन, ये रहा। सो यहाँ पे हमने लोकेशन मार्क कर ली है माफिया के पास। अभी देखो हम लोग माफिया के साथ डील करने जा रहे हैं, और वो भी मामूली माफिया नहीं, ये रशियन माफियाज है। मतलब रशियन माफियाज दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक लेवल के होते हैं। तो अभी अपने को करना क्या है, इज्जत से मतलब जितना भाई अमाउंट हमारी डील होने वाली है उतना अमाउंट उन लोग को देने का, और वहाँ से गाड़ियों को लेके निकल चलने का। अगर मैंने भाई ज़्यादा पंगा वंगा किया तो भाई मतलब वहाँ पे लफड़ा भी हो सकता है। और पाँच 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 देखो अरिना कार से तो वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब मैं ऐसे 5 गाड़ियाँ एक साथ चोरी तो कर नहीं सकता। मतलब मुझे इज्जत से इसको डील कंप्लीट करनी है, मतलब वो जितना भी मतलब अपना डील होता है पैसा भर के हम लोग मतलब वहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अपने अभी माफिया के अड्डे पे पहुँचने वाले हैं, मतलब माफिया का मेंशन जो है बहुत ही मतलब खूबसूरत मेंशन है। चलो मेंशन की भी सैर कर लेंगे, कितना बड़ा मेंशन है।
मतलब बहुत ही पैसे वाला आदमी है भाई, तो हमें ज़्यादा पंगा नहीं लेने का, अभी बहुत बड़ा मेंशन है, तो दोस्तों मतलब सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी होने वाली है, तो भाई अब अच्छे से हमको इस डील को खाली कंप्लीट करनी है। तो ये रहा दोस्तों मेंशन। ओ देखो सही, भारी यार इतनी सिक्योरिटी खड़ी हुई है, मतलब अंदर कैसा होगा। चल भाई खोलो यहाँ से गेट खोलो। ए खोल रे। ए क्या भाई, कोई है ही नहीं खोलने वाला यहाँ पे। अबे अबे ये क्या हो रहा है यार, गाड़ियाँ देखो भाई यहाँ पे इसके पास क्या खड़ी हुई है। ये लगता है इसकी बीवी है। ए डर क्यों रही है भाई हमें देख के? अरे बाप रे, इसकी बीवी डर गई हमें देख के। चलो यार हम उस गाड़ी को इधर घास के इधर रख देते। ओ सॉरी भाई घास वाले, वो लगता है उसकी बीवी बाहर चली गई मुझे देख के। ओ यार इसके पास देखो लिमोसिन भी है भाई, मतलब बहुत बड़ा गैंग मेंबर लग रहा है। गाड़ियाँ देखो यार इसके पास दोनों, मतलब महंगी गाड़ी लग रही है बहुत ही। सिक्योरिटी भी टाइट है दोस्तों, मतलब हम लोग को कुछ पंगा वंगा नहीं करने का है, तो हमें देखना है पहले गाड़ियाँ पसंद करनी है। अगर हमें देखो गाड़ियाँ पसंद आएगी तो दोस्तों फिर हम इन्हें खरीद लेंगे इन सारी की सारी गाड़ियों को। तो चलो सबसे पहले देखे कहाँ पे। ओ तेरी टी, ये देखो भाई अरीना कार्स, मतलब क्या तो दोस्तों गाड़ियाँ है यार एकदम, ये तो मॉडिफाइड की हुई है गाड़ियाँ दोस्तों। भाई आगे देखो गन्स देखो कैसे लगी हुई है, माय गॉड इतनी बड़ी बड़ी गन्स है इसमें, देखिए क्या लगा हुआ है। अभी ये क्या भाई स्कल लगा हुआ है ये तो आगे, और आगे से मतलब गार्ड भी बहुत मजबूत लगा हुआ है। ओ माय गॉड इस पे भी देखो गन्स लगी हुई है। पीछे देख क्या, पीछे लुक कैसा है ये यार, मतलब अजीब व गरीब लुक है यार ये, मतलब कैसा अजीब है मतलब गाड़ियाँ ये सब। ओ माय गॉड ये क्या टैंक लग रही है भाई ये तो, देखिए भाई इसको नज़दीक से, ये तो और भी हटके लग रही है भाई, इन दोनों से तो एकदम हटके है ये तो। चलो यहाँ पे तीन गाड़ियाँ हैं भाई, मेरे को तो पांच गाड़ियाँ कही थी, और कहाँ पे है गाड़ियाँ? ओ वो रे सामने भाई, कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई उस गाड़ी का। ओ तेरी, ये क्या है भाई, ये तो भूत है क्या है भाई, मॉन्स्टर, माई गॉड ये क्या है, ऐसे इतने टायर लगे हुए इतने सारे, और भाई इस टायर की साइज तो देखो, और बाप रे तो फ्रैंक मतलब माइकल की हाइट के जितना भाई एक टायर है इस गाड़ी का, तो मतलब क्या दासू गाड़ी है, मतलब इसमें बैठेंगे तो यार देखो क्या तो मतलब मजा आएगा यार दोस्तों इस गाड़ी में। माई गॉड ये तो मतलब बहुत ही हाइटेड है गाड़ी भाई, ये गाड़ी तो मेरे को बहुत पसंद आई, मैं ये गाड़ी ना इसको अपने लिए मैं रख दूंगा, ये मेरी दोस्तों क्या ये मेरी फेवरेट गाड़ी बन गई, तो यार इस गाड़ी को मैं पक्का रखने वाला हूँ। चलो इसमें देखिए क्या है इसके पास, वाह ये तो क्या भी मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक टैंक लग रही है भाई दोस्तों। चलो यार देखो गाड़ियाँ तो हमने देख लिया, और देखो गाड़ियाँ तो देखो हमें बहुत पसंद आई है, तो मैं इन पाँचों की पाँचों की गाड़ियों की दोस्तों अभी डील करेंगे हम लोग। चलो भाई अभी इन गाड़ियों का जो बॉस है उनके पास पहले चलते हैं, यहीं पे किधर होगा ये, क्या पार्टी वार्टी कर रहा है क्या भाई, तू है क्या भाई बॉस, दारू पी रहे? ओ आंटी जी आप भी दारू पी रहे हो, आपकी उम्र हो गई है भाई, अपनी बेटी के सामने दारू पी रहे हो, शर्म नहीं आती? वो देखो उसकी बेटी ना मोबाइल में बिजी लगी पड़ी है, ये देखो पबजी गेम खेल रही है। अरे भाई यहाँ पे हम लोग GTA 5 खेल रहे हो और तू पबजी खेल रही है बैठ के, मतलब वो नाच भी रही है पबजी भी खेल रही है। चलो इस झोपड़े के अंदर चल के देखते। ओ ये रहा भाई मेंशन का बॉस, क्या भाई गाड़ियों वाला बॉस कैसा है भाई, एकदम मतलब तो मतलब लेटा हुआ पड़ा है भाई, इसको मतलब किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, सोया कैसे पड़ा है भाई। अबे तू डील करने आया है कि भाई क्या करने आया है? चलो छोड़ो अपने को क्या करने का है, तो भाई अभी डील कितने में तय करनी है भाई, जल्द भाई जल्दी से बोल दे तो उस हिसाब से कर लेते। तो दोस्तों मेरा अभी ना माफिया वाले के साथ अपना डील हो चुकी है, सारी की साड़ियाँ गाड़ियाँ लगभग $10 मिलियन में अपने को ये गाड़ियाँ मिल गई है, ये मैंने कैश भी उसके सामने रख दिया और बैग भी रख दिया, तो भाई इसने मतलब कैश निकाल के काउंट भी कर लिया, ये देखो यार कितना तो कैश दिया मैंने उसको। चल कोई बात नहीं, अभी गाड़ियाँ तो देखो मुझे पसंद आई, चल भाई माफिया एंजॉय कर दूँ अपना और मैं गाड़ियाँ लेके जाता हूँ। तो यार देखो गाड़ियाँ ये अभी अपने को पसंद आ गई, तो अपने को ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना अभी एक ट्रक में ना लोड करके लेके जानी है, क्योंकि एक एक करके गाड़ी तो हम चला नहीं सकते। तो चलो यार पहले मैं ट्रक मंगा लेता हूँ एक बहुत बड़ी, तो उसमें हम इन गाड़ियों को लोड करके लेके जाएंगे। तो भाई लोग यहाँ पे अपना ट्रक में हमने गाड़ियाँ लोड कर लिए, तो यहाँ से अभी हम निकलते हैं, मैं इन गाड़ियों को सेफ जगह पे रखना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब मैं यहाँ पे तो शहर में अपने बंगलों में तो नहीं रखना चाहता अपना जो मेंशन है, तो इसलिए मैंने क्या है डिसाइड किया है, मैंने ड्राइवर को अभी अभी कॉल किया, तो मैं ये जो गाड़ियाँ हैं ना ड्राइवर का वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइवेट हैंगर है एक,
एयरपोर्ट के इधर, तो मैं उस हैंगर के अंदर इस गाड़ी को अंदर लोड कर देता हूँ और वहाँ पे ये गाड़ियाँ पड़ी रहेगी जब तक मतलब हम ठिकाना ढूंढ नहीं लेते कि मैं इन गाड़ियों को आखिर रखूँ कहाँ पे। तब तक मैं ड्राइवर के पास सेफ कर रख देता हूँ, क्योंकि ड्राइवर के पास भाई गाड़ियाँ मेरी सेफ रहेगी वहाँ पे। तो मैंने दोस्तों रास्ता भी थोड़ा वैसे चुना है कि भाई जैसे मतलब मैं आसानी से ड्राइवर तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि सिटी से एकदम हमको नहीं चलना है, क्योंकि गाड़ियाँ एकदम मतलब डेडिकेट है, और मतलब ये अपना ट्रक जो है ना एकदम मतलब हैवी ट्रक है, तो भाई ट्रक भी देख रहे हो काफ़ी लंबा है। तो सिटी से हमको कम चलने का है, हम लोग को हाईवे की तरफ से ज़्यादा चलने का है। तो मैं ड्राइवर के पास पहुँच के ना दोस्तों ये गाड़ियाँ सब वहाँ पे अनलोड करके वहाँ पे ही हम लोग रख देते। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पे बंद कर लेते हो। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। और भी इसी तरह दोस्तों GTA 5 में इसी तरह वीडियोस आती रहेगी इसी चैनल पे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।